धर्मनगरी हरिद्वार में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद भी शराब माफिया धड़ल्ले से शराब के अवैध कारोबार कर रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में अवैध शराब का जखीरा मिला है। हरिद्वार में शराब के अवैध भंडार पर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बावजूद इसके पुलिस की कार्रवाई का कुछ खास असर शराब माफियाओं पर नहीं पड़ता दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण पुलिस टीम की छापेमारी में बरामद हुई ये शराब है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में 6 लाख के करीब है। जानकारी के मुताबिक यह अवैध शराब का भंडार जगजीतपुर की रहने वाली मधु शर्मा और पार्टनर त्रिवेंद्र सिंह का है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।